अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मीरब का किचन। आज हम बनाएंगे रेड वेलवेट बंड केक। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही मज़े का ये केक तैयार होता है, और इसकी फ्रोस्टिंग करेंगे हम चीज़ क्रीम के साथ। वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें कि किस तरह हम बनाएंगे रेड वेलवेट केक। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगे बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये बिल्कुल फ्री है। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। रेसिपी को करते हैं शुरू। सबसे पहले एक बाउल लेंगे और उसके ऊपर स्ट्रेनर रखेंगे इस तरह। केक फ्लोर लेंगे 2.5 कप, ये 1 कप है, इस तरह लेवल करके हमें लेना है। ये 2 कप और 1/2 कप हम लेंगे, देखें इस तरह। और अब इसके अंदर डाल देंगे 2 खाने के चम्मच कोको पाउडर, इसको भी छान लेंगे। अब इसके अंदर डाल देंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून डालेंगे बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून डालेंगे इसके अंदर बेकिंग सोडा, यानी मीठा सोडा डाल देंगे और इसको छान लेंगे। अब मिक्स करेंगे और एक साइड पे कर देंगे इसको। तो ये हो गया। अब हम पैन को रेडी कर लेंगे। पैन के अंदर हम बटर पेपर तो नहीं लगाएंगे, लेकिन इसको हम बटर से ग्रीस कर लेंगे अच्छी तरह। और अब मैदे से हम इसको डस्ट कर लेंगे। ताकि केक जो होगा वो हमारा आसानी से निकल जाएगा। ये देखें जो जायद मैदा है उसको निकाल लेंगे। तो पैन हमारा रेडी है। अब एक बाउल लेंगे, उसके अंदर डालेंगे 1/2 कप मक्खन, इसको बीट करेंगे। 1/2 कप ही लेंगे हम कुकिंग ऑयल, मक्खन को पहले बीट कर लेंगे। और अब इसके अंदर डाल देंगे चीनी 1/2 कप और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अंडे डालेंगे 2 1/1 करके तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। दूसरा अंडा भी इसके अंदर डाल देंगे। इसको भी बीट कर लेंगे। और अब इसके अंदर डालेंगे 1/2 कप कुकिंग ऑयल। अगर आप मक्खन नहीं डालना चाहते तो आप फिर 1 कप कुकिंग ऑयल डाल दें। मैंने दोनों चीज़ें डाली हैं, 1/2 कप लिया है मक्खन का और 1/2 कुकिंग ऑयल का, ये डाल देंगे। और इसको अच्छे से हमने बीट कर लिया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 कप बटर मिल्क। 2 पोर्शन में हम इस तरह केक फ्लोर को डालेंगे इसके अंदर, एक ही दफ़ा नहीं डालेंगे। बटर मिल्क जो है वो बहुत ही आसान है इसको बनाना। आप बटर मिल्क दूध ले लें 1/2 कप और उसके अंदर डाल दें 2 खाने के चम्मच वाइट विनीगर और उसको फिर 10 मिनट के लिए रख देंगे तो बटर मिल्क जो होगा वो आपका तैयार हो जाएगा। दूसरा भी हम इसके अंदर डाल देंगे, बाकी का जो बचा था मैदा वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। जब हमने इसके अंदर केक फ्लोर ऐड किया था, साथ ही डाला था मैंने 1 टीस्पून वनीला एसेंस, वो मैं बताना भूल गई थी। अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब मैंने 1 चम्मच लिया है वाइट विनीगर और उसके अंदर डालेंगे रेड फूड कलर पाउडर फॉर्म में, और इस तरह ये देखें लिक्विड सा तैयार करके तो हम इसके अंदर डाल देंगे। अच्छा सा कलर आ गया। अब ये देखें बैटर भी हमारा बहुत ही अच्छे से तैयार है। ओवन को हमने 1/2 घंटा पहले प्रीहीट कर लिया है। ये देखें कितना क्रीमी और फ्लफी सा है। अब हम इसको पैन के अंदर डालेंगे और फिर ओवन में रख देंगे। आप चाहें तो देचकी में भी बना सकते हैं इसी तरह। ओवन में रखेंगे 180 पे 45 से 50 मिनट के लिए। टाइप करेंगे ताकि एयर बबल निकल जाए।
ओवन में रखेंगे 40 से 50 मिनट के लिए। 45 मिनट के बाद ये देखें केक हमारा बहुत ही अच्छे से बेक हो गया। अब इसको निकालेंगे और इसको ठंडा करेंगे। तो यहाँ पर केक हमारा बहुत ही अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे, जिस प्लेट में हमने सर्व करना है उसी के अंदर हम इसको निकाल लेंगे। अब इसके लिए फ्रोस्टिंग तैयार करेंगे। क्रीम चीज़ ली है मैंने 12 टेबलस्पून, यानी 1 कप के करीब है, इसके अंदर डाल देंगे। 1.5 कप मैंने ली है पाउडर शुगर और 1 टेबलस्पून डालेंगे इसके अंदर वनीला एसेंस। 2 खाने के चम्मच डालेंगे दूध और अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। ये चीज़ क्रीम मेरी होममेड है, मैं इसकी रेसिपी भी आपको ज़रूर दूंगी। बहुत ही आसान है इसको घर में बनाना, ये देखें। तो ये तैयार है। अब इसके ऊपर हम इस तरह इसकी फ्रोस्टिंग करेंगे। आप चाहें तो सादा भी रख सकते हैं या फिर इस तरह डेकोरेट भी कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी स्मार्टीज लगाऊंगी ताकि केक को थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए। और ये बच्चों की पसंदीदा चीज़ है, बच्चे इसे देख के बहुत ही खुश होते हैं, इसलिए ये भी इसके ऊपर लगा देंगे। थोड़े से सिल्वर बॉल जो हैं वो इसके ऊपर भी स्प्रिंकल कर देंगे। बहुत मशहूर क्या है, यम्मी केक। आप किसी भी इवेंट पे इसको बना सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही मज़े का ये केक तैयार होता है। ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। ये देखें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर के साथ, और बनाएं इस तरह का खूबसूरत सा केक। और ये देखें कितना नरम और सॉफ्ट केक हमारा तैयार हुआ है और बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है ये। थोड़ी सी स्वीट इस तरह स्प्रिंकल करने से हमारा जो सादा सा केक था कितना खूबसूरत लग रहा है। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।